चुनावी महादंगल 2019 आ गया है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा संग्राम, कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन होगा किंगमेकर? कांग्रेस के हाथ आएगी सत्ता या फिर भाजपा बचाएगी कुर्सी? क्या नोटबंदी जीएसटी का पड़ेगा असर या फिर राष्ट्रवाद? उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। इस सीट से मौजूदा सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अच्छा यादव को उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनौती दे रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू हुई मुलायम कुनवे की कला लोकसभा चुनाव 2019 में वर्चस्व की लड़ाई बन गई। इस लड़ाई में शिवपाल यादव ने समाजवादी। नमस्कार, समाचार प्राइम 24 में आपका स्वागत है। हमारी संवाददाता कल्पना सक्सेना जी ने फिरोजाबाद के सांसद प्रत्याशी अक्षय यादव से बात की, देखते हैं क्या बातचीत हुई इस रिपोर्ट में। अच्छा यादव जी, ये बताएं कि आपने जो ये समाजवादी पार्टी से जो आप खड़े हुए हैं, तो आपका जो मूल एजेंडा क्या है? देखिए, जो विकास के काम पिछले 5 सालों में सांसद रहते हुए मैंने फिरोजाबाद में करे, उन्हीं विकास कामों को जनता तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं और उसी पर हम लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा है इस क्षेत्र में, जो फिरोजाबाद, अगर आपने विधानसभा का पूरा दौरा किया है, देखा है, तो वहाँ जो चूड़ी बनाने वाले जो मजदूर हैं, जो बाल मजदूर हैं, जो उनकी जो समस्याएं हैं, जो भट्टी में दिन रात काम करते हैं, उनके लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, जो मजदूर हैं उसको उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए, सबसे बड़ी ये है। और उससे ही बड़ा एक काम है कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी करनी चाहिए और 8 घंटे की जगह उनसे काम करवाया जा रहा है 9 से 10 घंटे का। तो यही सबसे बड़े मुद्दे हैं और चूड़ी उद्योग को बचाने के लिए ये हम लोग आगे बात रखेंगे और काम भी करेंगे इस पर। और हमारा एक सवाल आपसे ये है कि आपके जो खास लोग हैं, जो गिने जाते हैं, जो पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, दिलीप यादव हैं आपके, अरविंद हैं जो कि MLC मेंबर हैं, मुकेश राम सेवक यादव, संतोष यादव जी, ऐसा हमारे सूत्रों से हमें खबर है कि ये आपकी पार्टी के पक्ष में काम न करते हुए ये पार्टी के विरुद्ध काम करते हैं, ऐसे सूत्रों से खबर नहीं, जिस सूत्र ने खबर दी है वो सूत्र 1 करोड़% गलत है। अच्छा, अगर ये बात अगर सच मानी भी जाती है और अगर ऐसा होता सच है, माने क्यों, जब हो ही नहीं सकता, ये जो पॉसिबिलिटी है ही नहीं जी, तो कैसे मान सकते हैं इसको? अच्छा, आपके जो आपके प्रतिद्वंदी जो शिवपाल सिंह यादव है, जो कभी समाजवादी पार्टी में पहले रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? अब संदेश तो 23 तारीख के बाद उनको चुनाव आयोग देगा, क्या तय होता है उसमें कि कौन जीतता है कौन हारता है, उसका रिजल्ट उनको 23 तारीख को चुनाव आयोग देगा। महिलाओं के लिए क्या रणनीति है सुरक्षा को लेकर, जो कि यूपी में आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार जैसी घटनाएं रोज होती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से पिछले 2 साल में फेल हो चुकी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फिरोजाबाद के अंदर 2 अपहरण हुए, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते अपहरण भी नहीं हो रहे थे। जो 1090 वोमेन जो हेल्पलाइन नंबर चालू करा, आज की तारीख में वो भी इस BJP की सरकार ने बंद कर दिया। कल ही फिरोजाबाद के अंदर एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई जिसमें एक महिला के साथ बलात्कार करा गया, और कहीं ना कहीं ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो BJP की सरकार, पुलिस प्रशासन, ये सब मैनेज नहीं कर पा रही है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारी संवाददाता कल्पना जी ने बातचीत की अक्षय यादव से और जानने का प्रयास किया कि राजनीतिक स्थिति क्या चल रही है फिरोजाबाद में। यहाँ कुछ कार्यकर्तागण भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका चुनावी समीकरण क्या कह रहा है, किस तरीके के संदेश फिरोजाबाद से मिल रहे हैं। आपका स्वागत है सर कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं? फिरोजाबाद में विकास कार्य हुआ है अब तक रहते हुए? सांसद अक्षय यादव ने तो बहुत विकास कार्य यहाँ कराए, जोड़ा झाल परियोजना जो कि गंगा जल की तरह यहाँ फिरोजाबाद जनपद में सभी को मीठा जल पीने को मिल रहा है, तमाम सड़कें पुल जो समाजवादी पार्टी ने बनवाई हैं आज तक इस हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी ने नहीं बनवा पाई। अच्छा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को किस तरीके से लेते हैं सर, क्या लगता है कि वो भी चुनावी मैदान में दमखम के साथ में है, कहीं टक्कर पे है कि नहीं? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अभी नई पार्टी है, यहाँ BJP से और गठबंधन से है लड़ाई, और गठबंधन जीत रहा है बहुत भारी वोटों से, बम्पर वोटों से जीता है। अच्छे भैया की कार्य कुशलता और काम, और प्रोफेसर साहब
ने बहुत देखा है पर्सनल इसको, इसलिए यहाँ समाजवादी पार्टी का बिल्कुल। और भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं सर, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है आपको इस बार फरोजाबाद में क्या हुआ, क्या स्थिति रही? अच्छे भैया की बहुत बड़ी जीत होगी, इतनी बड़ी जीत होगी जो कि कभी किसी नेता की नहीं हो। और ये बाबा की सरकार गाय सांड ये सब किसानों को बर्बाद कर दिया, और ये बाबा की सरकार जाने वाली है और अखिलेश भैया की सरकार आने वाली है। ये वो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। कैमरामैन विनीत के साथ में विशाल सक्सेना की रिपोर्ट, समाचार प्राइम 24 न्यूज़ के लिए।